हेलो फ्रेंड, आज हम ये 2D ड्राइंग बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसका सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है, कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। ओके, तो हम इसको इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसका ये एरिया बनाएंगे। हमने सबसे पहले एक्स लाइन ड्रॉ करी, हमने एक सेंटर बनाया। ओके, सर्कल, और हमारा जो आउटर सर्कल है वो हमारा डायमीटर 1, हमने सर्कल लिया और इसका जो डायमीटर है वो है हमारा 130। का हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। एंड देन हमने फिर इसका जो इनर डायमीटर है वो लेना है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस कितना है आप देखेंगे कि ये हमारा जो रेडियस है, ये रेडियस हमारा 46, तो आपको डायमीटर लेना है 46। ओके, एंड देन अब हमको आप देख रहे हैं कि ये इसमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डायमीटर है यहाँ पे ये हमारा 80 है। ओके, अब ये हमारा जो यहाँ पे ये स्लॉट जो है हमारा, इसका जो विड्थ है वो हमारा है इसमें 6, आपको ऑफसेट लेना है 3। ओके, आपको ट्रिम कमांड लेना है। एरे कमांड, पोलर एरे, आपको इसको पोलर एरे कर देना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट, एंड देन आइटम नंबर हमारे कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आइटम्स 7, क्लियर। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसमें कुछ ट्रिम का वर्क है, हम उसको ट्रिम कर देंगे। ये इतना हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है हम इसको पहले काउंट करेंगे और यहाँ से एक ऑफसेट लगाएंगे। ओके, ऑफसेट हमें यहाँ पे भी चाहिए, ये भी हमको इसमें लगाने हैं, तो हम यहाँ से ऑफसेट कमांड, और हमने इस पर दिया 78, आपको ये 78 पे भी एक ऑफसेट चाहिएगा। फिर आपने ऑफसेट दिया 37 हो गया, आपको 37 के बाद आपने 43, हमने 43 पे ये एक ऑफसेट दिया है। क्लियर, सेंटर से इनका जो सेंटर है वो है हमारा 18, ऑफसेट 18। ओके, सर्कल, ये हमारा सेंटर यहाँ पे क्रिएट हो गया, और हमारा जो आउटर रेडियस है हम यहाँ पे आउटर रेडियस इसमें 26, डायमीटर हो गया हमारा 52। ओके, एंड देन इसमें पीसीडी हमारा इसमें कितना है हम उसको चेक करेंगे। पीसीडी हमारा इसमें डायमीटर 34, एंड देन जो इसमें हमारा इनर डायमीटर है ये हमारा
16, 8 रेडियस हमने इसमें कर दिया, ओके। और अभी हमने इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका एंगल हमारा 45। हमने यहाँ पे एंगल लिया 45, सर्कल हमारा सर्कल है इसमें 8 डायमीटर, ओके। आपको एरे कमांड लेना है, एरे में आपको पोलर और आइटम नंबर सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट एंड देन आपको आइटम नंबर 4, क्लियर है। ओके, ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका। एंड देन आपको ये एक आउटर रेडियस इसमें दिखाई दे रहा है जिसका जो रेडियस है, रेडियस हमारा इसमें है 180, ठीक है। तो हमने क्या करना है, TTR लेना है सर्कल, और इसमें लेना है आपको TTR। तो ये टेंजेंट एंड देन ये टेंजेंट और रेडियस हमारा हो गया 180, क्लियर। हमने इसको ट्रिम कर देना है, सेकेंड इसमें ऑफसेट लगा देंगे हम 20, ऑफसेट, ये हमने ऑफसेट किया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेडियस दिया हुआ है 12 और इधर हमारा 10। तो हमने क्या करना है, फिलेट लेना है, फिलेट रेडियस 12, ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट, ओके। एंड देन सेकेंड फिलेट हमारा इसमें 10, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, और अब हम ये यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे हमें एक अपने सर्कल के एक टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक्स लाइन लेना है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के क्वाड्रेंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना है, ओके। अब आपको सर्कल लेना है, देखिए अब हमारी ये हमें यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है। आप देखें कि यहाँ से हमने 78 का ऑफसेट लगा के पास हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, और 37 का ऑफसेट लगा के हमारे पास में ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमने लाइन कमांड लेना है डायरेक्टली, और इस पॉइंट से ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ओके। फिर आपको फिलेट राइट क्लिक रेडियस 20, क्लियर है। सेकेंड रेडियस हमारी 12, क्लियर हो गया। एंड देन हमें इनको डिलीट कर देना है। अब आप देखेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने दिया है कि ये हमारा 20 mm पे एक ऑफसेट लगा हुआ है, जिसके बाद हमें इसमें फिलेट लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो हमने ऑफसेट लेना है 20, फिलेट लगाएंगे, फिलेट हमारा यहाँ पे है 14 mm। तो आपको लेना है फिलेट राइट क्लिक रेडियस 14, ओके। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ से, और ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पूरे ऑब्जेक्ट को जहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा लाइन थी हमारी, हमने उनको ट्रिम करना है। एंड देन आपको इसमें हमने दोनों ऑब्जेक्ट को अपने जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी लाइन है हमारी, उनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में जाके आपको यहाँ पे लाइन लाइन टाइप टाइप्स में जाके इसको लाइन टाइप्स में कन्वर्ट कर देना है, ओके। आप इस तरह से लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। आप डायमेंशन भी इसका डायमेंशनिंग भी करना चाहे तो आप डायमेंशन भी कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।